गाइस, तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली क्लीनअप के ऊपर और घर पे क्लीनअप कैसे करें। हमारे फेस पे टैनिंग वगैरह हो जाती है तो हम घर पर कैसे आसानी से क्लीनअप कर सकते हैं और पार्लर वाला ग्लो जो है हम पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा। तो मैं यहाँ पर आयुर का क्लींज़र ले रही हूँ। अगर आपके पास क्लींज़र नहीं है तो आप कोई फेस वॉश भी ले सकते हो यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से इस तरह से हमें लगा के अच्छे से क्लीन कर लेना अपने फेस को। बहुत अच्छे से जितने भी गंदगी वगैरह ऑयल वगैरह है आपके फेस पे बहुत अच्छे से रिमूव कर लेना। स्पेशली जो मैं क्लींज़र यूज़ कर रही हूँ ना, वो बहुत डीपली क्लीन करता है। पोर्स के अंदर जितने भी गंदगी होती है ना, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैंने 2 मिनट मसाज दिया अपने फेस को, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉटन से अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर दिया। आप देख पा रहे हो कितनी सारी गंदगी निकली हुई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल पानी से अपने फेस को धो लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो हमारा वो होता है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एवेयूथ का ये बॉलनेट स्क्रब है। ये पाउच आपको 15 रुपीज़ में कहीं भी मिल जाएगा, ईजिली आप ले सकते हो। और इसका बड़ा वाला ट्यूब भी आता है और बहुत ही अच्छा स्क्रब है। बहुत अच्छे से आपकी जो डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स अगर आपके फेस में है तो उसको भी बहुत अच्छे से ये निकालता है और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छे से ग्लो भी लाता है। स्क्रबिंग हमें 1 से 2 मिनट ही अपने फेस पे करना चाहिए, इससे ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए। और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस तरह से मसाज करनी है अपने फेस पे। और नोज़ की एरिया जो है ना, वहीं पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं तो बहुत अच्छे से नोज़ के एरिया जो होते हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है। अगर आपके नोज़ एरिया के आसपास ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड स्किन है तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हमें मसाज कर लेनी है, 1 से 2 मिनट ही मसाज देनी है स्क्रबिंग से और अच्छे से सिंपल वाटर से क्लीन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट मसाज दे दिया है और मैंने यहाँ पे सिंपल पानी से अपने फेस को धो लिया है। धोने के बाद बहुत अच्छे से यहाँ पे इस तरह से टॉवल से पोंछ लेना है, अच्छे से सुखा लेना अपने फेस को। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है फेस मास्क, मैं यहाँ पे फेस मास्क यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो कोई फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पे फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ ये है हिमालय का 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क है ये। गाइस, ये 10 रुपीज़ में आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा। इसकी जो क्वांटिटी है 8 ग्राम है और ये ना बहुत अच्छे से जो टैनिंग आपके फेस पे हो जाती है उसको रिमूव करता है। आपकी स्किन में ग्लो नहीं होता तो ये ग्लो भी लाता है, और जो आपकी स्किन में टैनिंग वगैरह हो गई उसको भी रिमूव करता है। ये बहुत ही अच्छा है और 10 रुपये का आपको कहीं भी मिल जाएगा इजीली, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लगा लिया है। लगाने के बाद जब ये 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा, सूखने के बाद हमें इस तरह से इसको निकालना है। डायरेक्शन जो है नीचे से ऊपर के साइड ही लेके जाना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद आप देखोगे कि आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आ गया है और जितने भी आपके स्किन में प्रॉब्लम थी, जो टैनिंग वगैरह हो गई थी, बहुत अच्छे से वो हटा देता है। 15 रुपीज़ में अगर आपको शादी पार्टी में जाना, जैसे कि अभी शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गए हैं तो सभी चाहते हैं कि हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो रहे, टैनिंग वगैरह कुछ भी ना, कोई प्रॉब्लम ही ना रहे हमारी स्किन पे, और ये बहुत ही अच्छा चमक लाता है। तो इस तरह से हमें निकाल लेना। आप देख पा रहे होंगे कितना इंस्टेंट ग्लो आ गया है मेरे फेस पर। तो इसी तरह से हमें बहुत अच्छे से इसको रिमूव कर लेना है। 10 रुपये में आप कहीं भी इसको ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा। मुझे ना इसका जो रिज़ल्ट है ना, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट लगा। मैंने इसको सेकंड बार यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम एक बार मैंने यूज़ किया था इस पाउच को, तो इस पाउच को मैंने 2 बार यूज़ कर लिया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको निकाल लिया है। अब जो कहीं इधर उधर लग भी गया है मास्क, तो बहुत अच्छे से गीली हैंकी से इस तरह से हटा देना है। आप देख पा रहे होंगे मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। तो आप भी इस तरह से घर पे क्लीनअप कर सकते हो सिर्फ 10 रुपये में, इस तरह से बहुत ही आसानी से। अगर आप महंगे फेशियल वगैरह नहीं करवाना चाहते हो तो इस तरह से आप क्लीनअप कर सकते हो। वीक में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए अपने फेस पे क्लीनअप। और उसके बाद मैंने हल्का सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया ताकि बहुत अच्छे से ये ग्लो बना रहे मेरे फेस पर। और ये रही आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।